डीएम मैम, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, हर लड़कियों के साथ गलत ना, बस आपसे कह रहे हैं मेरा पेपर दिलवा दीजिए, क्योंकि ये स्कूल वाले बहुत खिलाफ है मेरे, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मैं बहुत गरीब, मेरे बाप आप नहीं हैं, मैं एकदम गरीब हूँ, मेरी माँ है बहुत मेहनत से मुझे पढ़ा रही थी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। प्रदेश की योगी सरकार बच्चों की शिक्षा व उनके भविष्य को लेकर हर संभव प्रयास करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी स्कूल है जिसने एक इंटरमीडिएट की छात्रा के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है कि उसका पूरा साल बेकार हो गया। छात्रा को यूपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा से वंचित होना पड़ा है। ये मामला मिर्जापुर जनपद के इमामबाड़ा पर स्थित बैरिस्टर यूसुफ इमाम पब्लिक स्कूल का है। छात्रा की मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं छात्रा नाज ने न्याय के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से गुहार लगाई है। पेपर नहीं देवे, पहले टूट गया था काटी, हमारा पैर टूट गया, फिर भी काटी खोल खोल के हम उनके फीस दिया है, हमने बच्चा के जो उनके जिंदगी चौपट कर दी। नाज नाम है, 12 क्लास में हम पढ़ते हैं। मैम मेरा प्रवेश पत्र नहीं दी, हम मांगने गए तो भगा दी हमें। यूसुफ इमाम 9 से पढ़ रहे हैं, 4 साल हो गया हमें पढ़े उसमें। मैम भगा दी, मेरा एडमिट कार्ड में नहीं दी, कह रही जहाँ तुम्हारे सेंटर गए वहाँ से लो। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मुझे मेरा एडमिशन ही नहीं की थी वो। सेंटर वाले कह रहे हैं गलती मेरा नहीं बेटा, तुम्हारे स्कूल की है। वो कह रही कि जाने तो अगले साल पढ़ना, छोड़ दो, भगा दी हम गए तो उनसे लेने के लिए। कहें कि जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं होगा। कह रही मेरा कोई कुछ नहीं कर, कोई वकील हो चाहे जज हो चाहे जो हो, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। उनके खिलाफ केस करेंगे या फिर मेरा पेपर दिलवाएं, मेरा 2 साल खराब गया है। मेरे घर में कोई है नहीं, ना पापा ना कोई, इतना पैसा से मेहनत से पढ़े, मेरा मेहनत खराब हुआ है। मेरी मम्मी खड्डी बीन के फीस जमा करती थी, मेरा पेपर दिलवा दीजिए बस। हाँ सब पढ़ी, सब गवाही देने के लिए तैयार है। मैम झूठ बोले कि हम स्कूल नहीं आते थे, और सारा पेपर भी दिए हैं। हाँ सारा हुआ मेरा अटेंडेंस, हाँ हम हमेशा जाते थे स्कूल में भी। उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, उनके खिलाफ हम केस करेंगे। इतना मेहनत से पढ़ रहे थे, 2 साल से मेरा पूरा फीस भी ली हैं, पेपर दिए, झूठ पे झूठ बोल रही हैं, उनके खिलाफ केस करें या फिर मेरा पेपर दिलवाइए। बता दें कि यूसुफ इमाम पब्लिक स्कूल की मान्यता सिर्फ हाई स्कूल तक है, लेकिन यहाँ कई सालों से इंटरमीडिएट तक के छात्रों की पढ़ाई होती है। यह विद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस से मात्र 3 किलोमीटर पर स्थित है। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रख कर चल रही कक्षाएं कई सवालों को जन्म देती हैं। वहीं इस विषय पर जब स्कूल के प्रबंधक वीरेंद्र श्रीवास्तव से बात हुई तो वो भी गोल मटोल जवाब देते रहे। प्रबंधक ने कहा कि इधर बीच उनका विद्यालय से कोई खास संबंध नहीं है, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं चल रही हैं ये भी उनके जानकारी में नहीं है। वहीं यह भी कहते नजर आए कि 12वीं की छात्रा नाज रेगुलर क्लास में उपस्थित नहीं रहती थी। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा कोई भी विषय उनके जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि छात्रा एग्जाम से वंचित हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी। हाला बच्ची की तरफ से, उसके गार्जियन की तरफ से मेरे पास कोई इस तरह की शिकायत ऐसी सूचना तो नहीं आई, लेकिन मैं इसको दिखवाता हूँ। अगर कहीं किसी तरह कोई दिक्कत है, समस्या है और बच्ची प्रभावित हो रही है, तो मैं उस विद्यालय प्रबंधक को, प्रधानाचार्य को निश्चित रूप से दंडित करूँगा, कार्रवाई करूँगा उचित रूप से।